एक बार ना एक बहुत बड़ा जंगल था, एकदम घना। उसमें ना खूब सारे जंगली जंगली जानवर थे, शेर, चीते, हिरन, भालू। उस जंगल का पता है राजा कौन था? शेर। उसका नाम था मुफासा। अब मुफासा क्या एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था सिम्बा। अब मुफासा सिखाता जाता था सिम्बा को कि देखो सिम्बा, जब तुम बड़े होगे ना तब तुम राजा बनोगे मेरे जैसे, और इन सब प्रजा के ऊपर तुमको राज करना है। तो सिम्बा पूछता है, पापा ये जो हाथी है, जिराफ है, हिरन है, इनको ऊपर भी राज करना है? सिम्बा बोलता हाँ, और मुफासा बोलता हाँ। तो सिम्बा बोलता लेकिन हम तो हिरन को मार के खाते हैं। बोलता अरे अभी हम इनको मार के खा रहे हैं, जब हम मर जाएंगे तो हम घास बन जाएंगे, ये हमको खाएंगे, तो बैलेंस हो जाता है नेचर में सर। सिम्बा बोलता अच्छा 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 अब मैं बताता हूँ कहानी में विलन कौन था। कहानी में विलन है सार। सार है सिम्बा का चाचा, यानी मुफासा का भाई। सार सोचता है यार राजा तो मेरे को बनना है, लेकिन सार क्या है, शरीर कमजोर रहता है उसका, मुफासा का शरीर बलवान रहता है। तो सार सोचता है यार, लेकिन सार का दिमाग बहुत तेज रहता है, तो सोचता है यार कोई तरकीब ऐसी लगाऊं जिसको मुझे लड़ना ना पड़े और मुफासा मर जाए और मैं राजा बन जाऊं। तो एक दिन क्या बोलता है, हाँ एक दिन क्या होता है, वो पहाड़ के ऊपर बैठता है, कौन, मुफासा और उसका बेटा सिम्बा। तो बोलता है देखो सिम्बा, यहाँ जितनी भी दूर तक धूप जा रही है ना, वहां तक हमारा किंगडम है, वहां हमारा देश है, और वहां वो छाए हैं। सिम्बा बोलता हाँ वहां छाए।